गुड इवनिंग। और अभी शाम बज चुके हैं और अचानक से घूमने जाने का प्लानिंग हो रहा है, मतलब हुआ है। सो मैं बैग में पानी, बिस्किट और हर्षिता के लिए दूध लेके रेडी कर रही हूँ। हर्षिता को उसके पापा रेडी कर चुके थे और मैं उसके हेयर ठीक कर रही हूँ। गर्मी बहुत है आज पूरा, मतलब पूरा रूम में तो गर्मी के मारे रह नहीं सकते, कूलर भी काम नहीं कर रहा है। और मेरी आवाज़ थोड़ा सा जुकाम के वजह से अलग हो गया है। कोई बात नहीं, भी कितना मतलब घर में रहूँगी, सोचा आप लोगों को भी कुछ थोड़ा सा बाहर दिखा देती हो और हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, बाहर घूम लेते। हर्षिता को भी थोड़ा सा जुकाम जुकाम सा लग गया था, थोड़ा सा मेरी वजह से ही सेट लगा क्योंकि मुझे हुआ था। हम लोग निकल पड़े। बहुत ज़्यादा आज घुमाया है, मतलब पता नहीं कौन कौन से रास्ते से, पीठ और कमर सारा दर्द हो गया था। और अभी तक 20 नहीं मिला, लेकिन मिलने वाला है। मुझे 20 दिखाई दे दिया, आप लोगों को पता नहीं दिखा या नहीं दिखा। मुझे सी व्यू दिखा थोड़ा सा। भाईजान आना शायद मेरा 2 या 3 साल हो गया, नहीं विशाखापट्टनम में, नहीं नहीं 2.5 साल शायद। और अभी तक मैं ये वाला बीच देखने नहीं आई हूँ हर्षिता के वजह से। अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, सोचा थोड़ा सा देख लेती हूँ। और हम लोग बीच में आ गए हैं। अभी हम लोग पार्किंग देख रहे थे कहाँ पार्किंग मिलेगा। जिस सेट में पहले गए थे उधर पार्किंग नहीं था, फिर दूसरी जगह जाना पड़ा। उधर आज संडे है, बहुत भीड़ है इसीलिए। और हर्षिता इधर उधर भाग रहा था। बहुत मेहनत से आज थोड़ा सा ब्लॉग बनाई हूँ बाहर आके। कमर टूट गया, पीठ दर्द के मारे हालत ख़राब हो गए। बहुत दूर था, आई थिंक 1 घंटे का रास्ता था। अभी क्या है, सीजरिंग के बाद इतना मतलब बैठ नहीं सकते, पीठ वगैरह दर्द होता ही है। और अभी हम लोग बीच में एंटर करेंगे। बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था और बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये अच्छा था बच्चे के एंटरटेन के लिए, बच्चों के सारा सुविधाएं थे। आसपास में पार्क भी थे। बैठने वगैरह की जगह भी थे।
इधर ज्योति अपना ब्लॉग्स बना रहे। अच्छा लग रहा था लेकिन पूरा डस्ट था, पूरा धूल उड़ रहा था और आज सी वाटर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, मतलब बहुत मतलब क्या बोलते डीप हो गया था। और हस्बैंड बोल रहा था साइक्लोन की संभावनाएं हैं, इसीलिए मुझे तो डर लग रहा था। हर्षिता बार बार भाग रहा था पानी देखते ही। और इधर बहुत सारा शंख मतलब ओरिजिनल शंख का मतलब सामान मिल रहा था। और इधर एक शंख देख रहा था ज्योति, इसको ये पसंद आया था बट बहुत ज़्यादा रेट बोल रहा था। ये शायद 1300 या 1200 बोल रहा था। और आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा लहर है, मुझे बहुत डर लग रहा था। बोल रहा था हाई वाटर है। ज्योति को ये चाट खाने का मन कर रहा था, मुझे भी, लेकिन हस्बैंड लोग बोल रहा था उधर चाट से ज़्यादा धूल ज़्यादा मिलेगी, आप लोगों को खाने नहीं दिया। और बहुत किस्म के शंख का मतलब घर सजाने वाला मतलब बहुत सारे मिलता था, क्या बोलता है इसको नहीं पता, झूमर डोर पे लगाने वाला, अलग अलग किस्म के फ्लावर पॉट भी था उधर, शंख भी था, शाखाएं भी थी। मुझे वो फ्लावर पॉट बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा तो मुझे सब लग रहा था लेकिन खरीदने के थोड़ी मिलेगा। ऐसे लग रहा था हम लोग किसी मेले में आ गए, इतना सारा सामान वगैरह। मैं हस्बैंड को बोल रही थी मेरा भी तो मतलब मुझे भी तो आना चाहिए ब्लॉग्स में, मैं भी लोगों को पता चला मैं भी 20 में आई हूँ। लेकिन हर्षिता बार बार भाग रहा था तो इस तरीके से ब्लॉग नहीं बना पाई अच्छी तरीके से, जितना हो पाया वही। हर्षिता बार बार हाथ छुरा के भाग रहा था।
संडे है, भीड़ ज़्यादा था इसलिए। यही थोड़ा सा मतलब खाली मिला। फोटो उठने का अच्छी तरीके से चांस नहीं मिला था। ये बीच आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मूवीज़ में इधर शूटिंग वगैरह होता है। मैं तो नहीं देखी लेकिन सुना है। हम लोग पानी में नहीं गए हाई वाटर की वजह से। स्विमिंग मुझे नहीं आता है। ब्लॉग बनाते बनाते मेरा हाथ दर्द कर रहा था। मतलब वीडियो लेते लेते और ये लहरें, इतना बड़ा वाला लहरें आ रहा था। हर्षिता खुश हो गई थी उधर जाके, पानी दिखा इतना सारा। सिर्फ जाना चाह रहा था, उसको नहाना था, जुकाम है इसलिए नहीं लेके गए उधर, अंदर पानी के अंदर बढ़ जाता जुकाम। वीडियो लंबा हो गया, मैंने बहुत कट वट करने की कोशिश किया लेकिन अगर कट करती तो वीडियो ऐसे मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है और भी मतलब ख़राब क्वालिटी का बन जाता। और हर्षिता बार बार भाग रहा था। उधर शाम ज़्यादा हो रहा था मतलब इसलिए मैंने अब वॉइस ओवर ही दे दिया। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। हमें चाट खाना था, मतलब क्या बोलते हैं, दही पूरी, सेव पूरी, जो भी है। और इधर मिरर का शो, मुझे मिरर देख के इतना अच्छा लग रहा था, ख़रीदने का मन कर रहा था लेकिन हस्बैंड को बोलने की मतलब हिम्मत नहीं हुई, तो दूर से सिर्फ देखा ही ताकासाकी की। अच्छा लग रहा था, घर से जाने का बहुत सारा सामान था उधर। बट बीच में क्या है ना, ये इन सब का रेट ज़्यादा ले लेता है। मैंने पूछा नहीं कितना होता है इसका रेट, बट हस्बैंड बोला कि इधर रेट ज़्यादा लेंगे, तो मैंने कहीं जाने या कुछ चीज लेने के बारे में सोचा भी नहीं। हर एक चीज़ मिल रहा था, मतलब खड्डे रूम डेकोरेट करने के लेके, खाने पीने का सामान, बच्चों के खेलने के सामान, एंटरटेन के सारे चीज़ें थे। अच्छा लगा था, ऐसा लग रहा था कोई मेले में आ गया। हमारे उधर जिस तरह मेला होता है दोनों तरफ था, बच्चे के सामान भी था। ज़्यादा देर उधर नहीं रह सकते वरना हर्षिता रोस कर। फिर हम लोग आ गए, रिटर्न हो गए जल्दी जल्दी। इधर एक बंगाली कलकत्ता वाला रेस्टोरेंट, नहीं नहीं गेस्ट हाउस था, कम रेस्टोरेंट भी था।
फिर हम लोग एन तक गए थे उधर, मतलब थोड़ा सा एन तक तो नहीं गए, थोड़ा सा और घूमे बाइक राइड की मज़ा ले। मज़ा तो नहीं, कमर दर्द कर रहा था, कोई मज़ा नहीं ले पाई। अभी इतने टाइम बाइक में बैठे रहना बैक पेन हो ही जाता है। और इधर ये अलग अलग टाइप का मतलब फूड स्टॉल वगैरह दिया था। हस्बैंड को बोला मुझे भूख लगी है, लेकिन बोल रहा था कि उधर जाके खाना, इधर नहीं। और ये सी व्यू, और मुझे ये जो नज़ारा देख के मेरीन लाइन की याद आ रही, मुंबई की जो मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव की नज़ारा या इसी तरह का ही था होता है। साप मेरीन म्यूजियम कुरुक्षेत्र, ये वाला साप मेरीन का म्यूजियम है। जो भी साप मेरीन देखना चाहते इधर जाके, मतलब आराम से टिकट विकेट शायद है या ऐसे ही देख के फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। साप मेरीन ये बीच के बीच में रखा था। हम लोग अंदर नहीं गए, लेकिन बाहर से आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के मतलब कोशिश की, क्योंकि जो भी आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे इतना छोटा सा दिखता है, लेकिन असल में कितना बड़ा होता है। आज गर्मी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गर्मी था, और मुझे भूख लग रही थी लेकिन खाने को नहीं मिल रहा था, कहीं लेके नहीं जा रहा था। फिर हम लोगों ने एक ऑस्कर को जूस पीना था तो जूस पिलाया, और मैं भी हर्षिता को उसके लिए जो पीडियाश्योर और मिल्क लिया उसको खिलाया। फोटो वीडियो हो गया, वीडियो पूरा आर के बीच घुमा। बोला था इधर चाट नहीं उधर चाट खिलाएंगे, मतलब सिटी के साइड पे खिलाएंगे, क्योंकि बीच पे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह था। पूरा जगह घूरे, फिर हमारे इधर आके दोनों जगह घूरे, चाट नहीं मिला। और लास्ट में ये भूखे मारे, क्योंकि खाना खाते खाते लेट हो जाएंगे, इतने टाइम तक नहीं रह सकते, इतना भूख लगी थी। और हस्बैंड भी बोल रहा था कि चाय पीना है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मामा मामा मामा।